चौथी विधानसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ और एक प्रकार से इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग मानता हूँ। हमने सदन में साबित किया कि अविश्वास प्रस्ताव तथ्यहीन, सिद्धांतहीन, षड्यंत्रपूर्ण, मौकाप्रस्त राजनीति का प्रतीक है। जनहित में इसका कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ ने विगत 15 वर्षों में विकास की जो गंगा बहाई है वह किसी अन्य राज्य के लिए व किसी भी राज्य के निवासियों के लिए गौरव का विषय है। कांग्रेस ने विकास को नकार कर अपनी विकास विरोधी छवि पर फिर मोहर लगाई है। मुझे विश्वास है कि जनता कांग्रेस के इस रवैये को देख और समझ रही है। आगे विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम दिखेंगे। हमने एक कार्यकाल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव की आग में तपाया गया है। हम कुंदन मन के निखरे हैं जिसे चुनाव में हम आने वाले समय में 65 सीट जीत कर फिर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त की ओर है। आगे भी चुनाव में इस सदन में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मुझे पूरा विश्वास है राज्य को विकास की ओर ले जाने का हमारा उद्देश्य 2022 का सपना जरूर पूरा होगा और इसके लिए कठिन मेहनत करके जनता का विश्वास हमने जीता है। आगे भी पूरी लगन निष्ठा के साथ जनता का सेवा करते रहेंगे।